नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे राजधानी पटना की खबरों के साथ। इन दिनों जनता दल यूनाइटेड प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाए गए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के पोस्टर क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार की पोस्टर की खूब चर्चा हो रही है। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर एक और नीतीश कुमार की पोस्टर वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है, हो चुका है विचार, देंगे उखाड़, कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। वही इस वायरल पोस्टर के बाद इस पोस्टरबाजी का जायजा लिया हमारे संवाददाता विशाल चौहान ने। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, इसी स्लोगन के साथ 2015 में विधानसभा चुनाव की जीत की तैयारी नीतीश कुमार ने रख दिया था। आपको बता दें, प्रशांत किशोर जो राजनीतिक रणनीतिकार थे, इसी स्लोगन को उन्होंने ही गढ़ा था, उन्होंने ही मनाया था और इसी काफ़ी चर्चाएं भी रही थी नीतीश कुमार की इस बैनर को लेके। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है और राजनीतिकार जो रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, इसमें अहम योगदान दिए थे वो। यहाँ पर राजनीतिकार जो रणनीतिकार उभर कर आए थे राजनीति के, और नीतीश कुमार में के जीत की है जो 2015 में उन्होंने मुख्यमंत्री जो बनाया था, इसमें अहम योगदान प्रशांत किशोर का रहा था। और आपको बता दें, जब जब चुनाव आते हैं तब तब पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो जाता है। अभी मैं इस वक्त राजधानी पटना के जदयू के प्रदेश कार्यालय के बाहर हूँ। मैं आपको जहाँ कैमरा के माध्यम से कुछ दिखाना चाहूँगा, अभी चुनाव आ गए हैं, बस 2020 की विधानसभा के चुनाव की सभी पार्टियां ने तैयारियां शुरू कर दिया। ऐसे में नीतीश कुमार ने एक पोस्टर जारी किया है, प्रदेश जदयू प्रदेश कार्यालय के गेट पे एक पोस्टरबाजी हुई है, जहां पे आपको मैं दिखा सकता हूं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, ये बिहारी स्टाइल यहाँ पे दिखा रहे नीतीश कुमार, अपनी जो बिहारी लैंग्वेज है, जो अपना कल्चर है, उसी के आधार पर ये अपनी बातों को रख रहे हैं इस पोस्टर के जरिए कि क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। और इस पोस्टर में नीतीश कुमार कुछ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, इस पोस्टर के माध्यम से वो सीधे तौर पर बिहार की जनता से उन्होंने कहा है कि कुछ भी विचार करने की ज़रूरत नहीं है, नीतीश कुमार ठीक है। यहाँ पर जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगी हुई है, यहाँ यह कह सकते हैं हम कि नीतीश कुमार पे जो भी अब जो चुनाव आ रहे हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए इस पोस्टर के जरिए वो कह रहे हैं कि विचार करने की आपको ज़रूरत नहीं है, नीतीश कुमार बिल्कुल सही है। मैं और भी आपको दिखाना चाहूँगा, एक पोस्टर और है, मैं आगे आपको बढ़ के दिखाना चाहूँगा कि ठीक इसके बगल में क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार के बगल में एक और जदयू कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर टंगा हुआ है, लगा हुआ है, जहां पे आपको मैं पढ़ के भी सुनाना चाहूँगा। सच्चा है, अच्छा है, चलो नीतीश कुमार के साथ चले। आपको मैं बता दूँ कि इस पोस्टर के ये पोस्टर जो है जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के जो प्रदेश कार्यालय उसके ठीक बगल में लगी हुई है ये दोनों पोस्टर, जहां एक ओर है क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार, वहीं दूसरी ओर है सच्चा है, अच्छा है, चलो नीतीश कुमार के साथ चले। तो ये बिहार में जो इन दिनों जिस तरह के जो माहौल बना हुआ उसको मद्देनज़र रखते हुए पोस्टरबाजी का दौर चालू हो गया। अभी चुनाव में ऐसे काफ़ी लेट है, 2020 विधानसभा चुनाव में अभी विलम्ब है, लेकिन उसके ठीक पहले आखिर क्या कुछ इनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, आखिर क्या कुछ ये इनकी जो मन में चल रहे हैं, ये तमाम मुद्दों को देखते मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो गया। मैं आपको और भी कुछ दिखाना चाहूँगा अपने मोबाइल के माध्यम से कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक और चीज़ वायरल हो रही है, इसी पोस्टर को पोस्टर के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको दिख रही है ना, ये यहाँ पे हो चुका है विचार, उखाड़ देंगे, कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। ये जो पोस्टर जो आप देख रहे हैं हमारे मोबाइल पे, इस तरह के सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये पोस्टर जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के आसपास तो क्या पूरी राजधानी में कहीं नहीं लगी हुई है, इस तरह के जो पोस्टर है एडिट करके बनाए गए हैं, जिसे सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल किया जा रहा है कि क्यों करें विचार, उखाड़ देंगे नीतीश कुमार, इस तरह के जो पोस्टर है। मैं आपको फिर से पढ़ के एक बार सुनाना चाहूँगा, हो चुका है विचार, देंगे उखाड़, कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार, इस तरह का सोशल मीडिया पे पोस्टर एक एडिट करके जो बनाया गया है, ये पूरी कहीं भी इस तरह की पोस्टर लगी हुई नहीं है और ये काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर इस तरह के जो पोस्टर है वो वायरल हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा, फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के बाहर हूँ, जहाँ के पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो चुका है 2020 की जो विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे तो जब जब चुनाव आते हैं तब तक पोस्टरबाजी का दौर तमाम पार्टियां, जितनी भी पार्टियां पोस्टरबाजी का दौर शुरू कर देती है, लेकिन अभी 2020 में जो चुनाव होने हैं और ये अभी 2019 का जो समय चल रहा है, ऐसे में पोस्टरबाजी का दौर अभी लगभग डेट भी अभी तय नहीं की गई है कि कब चुनाव होगी। लगभग अगर हम बात करें तो अभी साल भर, पूरे एक साल अभी बाकी है इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, ऐसे में पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो गया है। देखना दिलचस्प हो कि आखिर 2020 जो चुनाव होने हैं लोक विधानसभा, वो क्या रंग लाती है।
अब हम आ चुके हैं बीजेपी कार्यालय में और यहाँ हम जुड़ेंगे मीडिया प्रभारी जो राकेश जी हैं उनसे जुड़ के जानते हैं कि आखिर जो सोशल मीडिया पे इस तरह के जो वायरल हो रहा है नीतीश कुमार के पोस्टर को लेकर, सर मैं आपसे ये दिखाना चाहूँगा एक पोस्टर में, जो एक पोस्टर में काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, हो चुका है विचार देंगे उखाड़ कहीं के नहीं रहेंगे नीतीश कुमार, उन अभी जो उन्होंने हालिया में पोस्टर जारी किया था कि क्यों करे विचार ठीक है नीतीश कुमार, इसी को लेकर ये जो नकारात्मक इस तरह के टिप्पा टिप्पणी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो क्या लगता है इसमें किस तरह का इनका हाथ है और कि ये जो इस तरह के जो वायरल हो रहे हैं जो बिल्कुल भी नकारात्मक छवि दिखा रही है बिहार के मुखिया के बारे में, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए विपक्षी के पास कोई काम नहीं बचा है, विपक्षी को लगता है कि यही करने से हम सत्ता में आ जाएंगे। नीतीश कुमार ने 15 वर्षों में लगातार जनता के बीच रहकर काम किया है, विकास का काम किया है और उस पर उन्होंने फिर से जनता से मैंडेट देने का की बात कर रहे हैं और जो ये चला रहे हैं सभी विरोधी हैं, जो उनके विरोधी हैं, बिहार के विरोधी हैं और ये लोग देश के विरोधी हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि स्वच्छ शासन फिर से आवे, ये लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार चले जाए, नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार चली जाए, भाजपा जदयू की गठबंधन की सरकार चली जाए। ये लोग चाहते हैं कि हमको फिर से ये लूट करने का, लूटने का, लूटने के लिए शासन मिल जाए। ये इसीलिए इस तरह के ये लोग स्लोगन दे रहे हैं, इनके चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, बिहार की जनता फिर से एनडीए को सत्ता में लाएगी। लेकिन ये भी बात काफ़ी तेज वायरल हो रहे हैं कि मनमुटाव चल रही है एक और नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार में, एनडीए की सरकार जो है उसमें मनमुटाव भी चल रहे हैं, इस लेकर भी काफ़ी तेज़ी से, इसके बारे में क्या कहेंगे? किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है, ये पूरा विरोधियों की साजिश है, विरोधी दल के नेता कार्यकर्ता ये साजिश करने में लगे हैं, उनका साजिश नाकाम हो जाएगा, बिहार की जनता फिर से बिहार की जनता जिस तरह से देश में एनडीए की सरकार को बनाने में मजबूती से साथ दिया था उसी तरह बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। ये लोग मुगालते में न रहें, बिहार की जनता मुस्तैद है, तैयार है, वो तो बैठी हुए तैयार होके और जिस दिन चुनाव का बिगुल बजेगा बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज पटना। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर एस ए जावेद बिहार शरीफ पहुंचे जहां उन्होंने सोसराय में नालंदा रीजन के समस्त शाखा प्रबंधकों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के पूर्व अध्यक्ष ने सिलाव दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने सभी बैंक प्रबंधकों को निष्ठापूर्वक कार्य करने की सलाह देते हुए बैंक की कार्यशैली को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। कार आए हैं उन न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र के सभी ग्रामीणवासी खासतौर से किसान हमारे बैंक से जुड़ें, जिनके खाते अभी नहीं खुले हैं वो खाते खोलें और जो यहाँ की हमारी अलग अलग स्कीम्स हैं उससे लाभ उठाएं और उनको जो ऋण व्यवस्था चाहिए वो हमसे लें और साथ में ये भी सुझाव देना चाहूँगा कि जो ऋण लिया है उसको चुकता भी करें ताकि उस पैसे को सबके साथ रोटेट किया जा सके, तभी विकास होगा इस क्षेत्र का। उधर कुर्था प्रखंड मुख्यालय परिसर में राजद कार्यकर्ताओं ने राजद प्रदेश युवा महासचिव सुनील यादव के नेतृत्व में सुखाड़ के मुद्दे पर धरना दिया। उन्होंने कुर्था विधानसभा क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की। इस मौके पर सुनील सक्सेना, निशिकांत कुशवाहा सहित कई नेता मौजूद रहे। वही हम बात करें बेगूसराय की, तो बेगूसराय में तेल टैंकर में वेल्डिंग के दौरान अचानक विस्फोट होने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही घटना की सूचना पर 0 माइल थाना पुलिस अस्पताल पहुंच मामले की जांच कर रही है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर गणेश पूजा काफी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस दौरान बेनीपट्टी इंदिरा चौक से श्री श्री 108 श्री
बोलबम गणेश पूजा समिति द्वारा 9 दिवसीय गणेश पूजा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 551 कुंवारी कन्या महिला और पुरुष सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कलश शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ इंदिरा चौक स्थित पूजा स्थल से निकाली गई। वहीं पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए विश्वम्भर नाथ महादेव मंदिर पहुंची, जहां 11 पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच कलश को घोघो तालाब के पवित्र जल से भरा गया। वहीं मोतिहारी के घोड़ासहन प्रखंड के सावनपुर पंचायत के अररिया गांव में 10 दिवसीय गणेश उत्सव महापूजन शुरू हुआ। इसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सावनपुर पंचायत के मुखिया सोनालाल शाह ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से प्रतिवर्ष आम ग्रामीणों की मदद से लगातार ये पूजा की जा रही है। बेगूसराय में बच्चा चोरी के आरोप में एक विक्षिप्त महिला की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना लाखों ओपी के खतोपुर की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर एक महिला की लोगों के द्वारा जमकर पिटाई की जा रही है। इतना ही नहीं, लोगों का आरोप था कि महिला के वेश में यह एक युवक है। इसकी जांच के लिए महिला को अर्धनग्न तक कर दिया गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची, भीड़ से महिला को बचाया और उसे थाने लेकर पहुंची। हालांकि अभी तक बेगूसराय में एक भी बच्चा चोरी का मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन लोग बच्चा चोरी के शक में हिंसक हो रहे हैं। ये मॉब लिंचिंग की घटना नहीं है, ये मॉब लिंचिंग होते होते रह गया। पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई। एक विक्षिप्त किस्म की महिला है, जिसको कि लोगों ने बच्चा चोरी के आरोप में खातोपुर चौक पर रोक कर रखा था और उसके साथ मारपीट का प्रयास कर रहा था। ये भनक लगा, उसमें कोई सज्जन आदमी रहे होंगे जिन्होंने कि ये स्थिति को हांफते हुए उन्होंने थाना को सूचना दे दिया। थाना में उस समय बल भी नहीं था, गाड़ी गश्ती में निकला हुआ था, लेकिन बावजूद इसके चूंकि गाड़ी कहाँ है और गाड़ी के इंतजार में रहेंगे, तो उनको थाना प्रभारी को जो भी मिला वहाँ चार चौकीदार के साथ में जैसे तैसे सूचना मिलते ही वो पहुंचे हैं और उस औरत को अपने कस्टडी में। उधर दरभंगा समाहरणालय से धरना स्थल पर क्षेत्र की आवाम के बेहतरी और मूलभूत सुविधाओं से वंचित समाज के आवाज को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता के बैनर तले अपनी पास सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। वहीं इस धरने के माध्यम से बाढ़ सुखाड़ से स्थायी निदान सहित कई मांगों को रखा गया। हमारा जो पांच सूत्री मांग है, जिसमें है बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान हो, दूसरी मांग है कठरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अविलंब बनवाया जाए, तीसरा मांग है पैक्स व्यापार मंडल को पंचायत प्रतिनिधि का दर्जा मिलना चाहिए, चौथा मांग है हमारा मथौर को प्रखंड का दर्जा दिया जाए, पांचवा मांग है जो बिजली बिल में कटौती एवं विपत्र को शुद्ध किया जाए। विपत्र जो हम लोगों को आता है बिल का, उसमें बहुत सारा त्रुटियां हैं, उसको ठीक किया जाए और यूनिट चार्ज जो है उसको कम किया जाए जो बहुत है। यही पांच सूत्री मांग लेकर आज हम लोग धरना पर। वही हम बात करें मोतिहारी की, तो मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड मुख्यालय में चल रहे आरटीपीएस में पास दिनों से डाटाबेस खराब होने के चलते ग्रामीणों को वापस घर लौटना पड़ रहा है। आरटीपीएस के कर्मी ने बताया कि 30 अगस्त से ही डाटाबेस खराब हो गया है, जो पटना ठीक करने के लिए भेजा गया है, जिसके चलते आय, जाति, निवास और LPC का आवेदन जमा नहीं हो पा रहा है। आरटीपीएस का डाटाबेस खराब होने के कारण RTPS के कार्य अभी बाधित हैं। इसके लिए हम जिला के IT मैनेजर से बात हुई है, वो लगे हुए हैं। जो भी RT सहायक के द्वारा डाटाबेस तैयार करके या सही करके दे दिया जाएगा, कार्य फिर सुचारू रूप से शुरू प्रारंभ कर दिया जाएगा। लगभग अभी कितने दिन लग सकता है सर? तो एक दिन का काम है। IT मैनेजर के द्वारा बताया गया कि हम लगे हुए हैं, जल्दी हम करवा देते हैं। सासाराम में दीन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना मुफस्सिल थाने के दुर्गापुर गांव की है। बताया जा रहा है कि वह युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, लेकिन कुछ देर के बाद पता चला कि उसका शव दुर्गापुर में पड़ा हुआ है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम में चिकित्सकों ने उसके सीने से एक कारतूस भी निकाला है।
सर 5 बजे भोर में आया है घर वहाँ दिल्ली से, घर आया है, नहाया है, खाया है, 5 बजे भोर में क्या 8 बजे निकला है घर से, फोन कोई किया है, 8 बजे निकला है, 8 बजे के बाद अभी यहाँ ससाराम निकला है आने के लिए, ओकरा बाद में। अब आप बिहार न्यूज टीवी को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, इसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।